हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दैनिक तुषार पर और मेरा नाम है तुषार शर्मा और आज एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नई वीडियो के साथ। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कोबो जीकेजी सीरीज 2.0 का रिव्यू नंबर 4 और इसमें हम रिव्यू करने वाले हैं कोबो जीकेजी 15 गोलकीपर ग्लव्स को। तो जल्दी से इस रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस सीरीज में हम पहले से 3 और ग्लव्स का, कोबो के ग्लव्स का रिव्यू कर चुके हैं, तो उनको भी जाके आप इस वीडियो के बाद उनका भी रिव्यू देख लेना। हमको क्या करना है, हमको रिव्यू को स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइटैनिक रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ग्रिप, लेटेक्स और इसके पाम के बारे में। तो यहाँ पे हमेशा की तरह, जैसे कि हम देखते ही हैं कोबो के हर गोलकीपर ग्लव्स में, जर्मन लेटेक्स पाम का इस्तेमाल होता है और यहाँ पे भी आपके लिए जर्मन लेटेक्स का इस्तेमाल हुआ है। और हम जानते ही हैं, अगर आपने पहले भी कोबो के गोलकीपर ग्लव्स यूज़ किए हैं तो हमेशा की तरह कोबो की ये जर्मन लेटेक्स कमाल की ग्रिप आपको प्रोवाइड करती है। और वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको कोबो जीकेजी 15 गोलकीपर ग्लव्स में भी देखने को मिलने वाली है, बिकॉज यहाँ पे ये ग्लव भी आपको एक ज़बरदस्त ग्रिप आपको प्रोवाइड कर रहा है। अंडर 2000 की रेंज में ये ग्लव आता है, उसके बावजूद ये बहुत ही अच्छी ग्रिप आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे तो कोई निराशा आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपका मोस्टली यही क्वेश्चन होता है सबसे पहला सबका ग्लव खरीदने से पहले कि ग्रिप है कि नहीं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी ग्रिप आपको प्रोवाइड की गई है कोबो जीकेजी 15 में, आपको अच्छी ग्रिप ये आपको देगा। अगली बात कर लेते हैं इसके बैकहैंड के बारे में। तो अगर हम बैकहैंड देख रहे हो तो बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पे बैकहैंड पे दिया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्काई ब्लू कलर, उसके साथ ब्लैक कलर और ग्रे कलर की जो एक कॉम्बिनेशन बैठाई गई है, उससे ये ग्लव देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो जो लोग ज़्यादातर ग्लव को उसके देखने पे, उसके लुक कैसा आ रहा है उस पर खरीद लेते हैं, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल बढ़िया ग्लव बन गया। लेकिन हम बात करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो मेन चीज़ हम देखते हैं बैकहैंड में, वो है कि नहीं। बैकहैंड में क्या पंचिंग एबिलिटी है कि नहीं, क्या वो मटेरियल पीछे प्रोवाइड किया गया है कि नहीं, जिससे कि आप पंच कर पाएं ईजिली। बिल्कुल, ये जो आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको और पास से दिखाता हूं, 3D एम्बोसिंग यहां पे आपको करके दी गई है इस गोलकीपर ग्लव में, जो कि आपको हेल्प करेगी पंचिंग में, आपको बॉल को दूर क्लियर करने में आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है ये 3D एम्बोसिंग। उसके सिवा एक अच्छा लुक है। तो नॉर्मली जो हम देखते हैं बैकहेंड में क्या चाहिए हमको, वो एक अच्छी 3D एम्बोसिंग यहां पे आपको प्रोवाइड कर दी गई है। एकदम स्ट्रांग मटेरियल है, एकदम स्ट्रांग 3D एम्बोसिंग यहां पे आपको इस ग्लव में प्रोवाइड की गई है, तो उसकी भी कोई कमी नहीं है। तो बैकहेंड में भी कोई कमी हमको दिखाई नहीं दे रही है। अगली बात कर लेते हैं इसके कट की। तो यहां पे आपको प्रोवाइड किया गया कोबो जीकेजी 15 में रोल्ड हाइब्रिड कट। ये रोल्ड है यहां से और साथ ही साथ ये हाइब्रिड यहां है, बीच की ये फिंगर्स पे जो साइड्स में कटिंग दी गई है, ज्यादा टाइट फिट देने के लिए यहां पे इस तरीके का कट यहां पे आपको प्रोवाइड किया गया। क्या मेन मकसद है इस कट को प्रोवाइड करने का इस गोलकीपर ग्लव में, वो ये है कि जो रोल्ड कट की अपनी एडवांटेज है और जो नेगेटिव कट की अपनी एडवांटेज है, दोनों को मिक्स करके इस गोलकीपर ग्लव के कट में डालने की कोशिश की गई है। रोल्ड कट की क्या एडवांटेज होती है कि ये ग्लव को थोड़ा वाइडिश बना देता है, उसका एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे कि सेविंग करते टाइम जब आप बॉल को सेव कर रहे हो, आप जब बॉल को कैच कर रहे हो, तो वो थोड़ा एरिया आपका ग्लव का ज्यादा हो जाता है। ये अपनी एडवांटेज होती है रोल्ड कट की। लेकिन उससे क्या है, ज्यादा अच्छा फिट नहीं आ पाता। आजकल सब गोलकीपर्स को क्या मांगता है, एक अच्छा फिट मांगता है, और इसी वजह से नेगेटिव कट आजकल का सबसे बेस्ट कट माना जाता है, मार्केट का सबसे प्रीफर्ड, मोस्ट प्रीफर्ड कट भी माना जाता है। और इसी वजह से यहां पे उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कोबो, और इसी वजह से यहां पे ये हाइब्रिड दिया गया, यहां से टाइट फिट देने की भी कोशिश की गई, नेगेटिव कट वाली जो चीज थी, जो फीचर था, वो डालने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी बेहतर होता कि ये नेगेटिव रोल्ड कट होता तो और ज्यादा बेहतर होता, बिकॉज यहां से जो है ना लेटेक्स थोड़ी सी कम हो गई है। ये अगर नेगेटिव होता तो यहां पे भी साइड्स में भी नेटलेक्स होती, जिससे कि बॉल के साथ ज्यादा लेटेक्स का कॉन्टैक्ट होता, कैचिंग के टाइम और ज्यादा हेल्प होती। इसी वजह से नेगेटिव कट ज्यादा प्रीफर्ड होता है आजकल के टाइम में। लेकिन फिर भी एक अच्छा टाइट फिट ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, जब आप इसे पहनोगे बहुत ही अच्छा टाइट, एकदम टाइटिश फिट ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ वाइडिश एरिया तो ये देगा ही देगा, एक रोल्ड कट है, एक अच्छा कट है, तो ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। बस अगर नेगेटिव रोल कट होता तो और बेहतर होता। अगली बात कर लेते हैं इसके रिस्टबैंड के बारे में। तो यहाँ पे एक अच्छा एडजस्टेबल हुक एंड लूप आपको रिस्टबैंड यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक जबरदस्त टाइट फिट आपके रिस्ट पे आपको प्रोवाइड करेगा। देखिए पहनने में बिल्कुल यहाँ पे कोई ऐसी टाइटनेस नहीं, कई गोलकीपर ग्लव्स में यहाँ से बहुत टाइट होता है, हाथ ही नहीं घुस पाता, लेकिन यहाँ पे एक जबरदस्त टाइटिश फिट दिया गया है वो कट की वजह से है। और यहाँ पे नीचे की तरफ ये आपको लग रहा होगा शायद छोटा है, लेकिन एकदम परफेक्ट आपको फिट देने वाला है, एकदम परफेक्ट। कई गोलकीपर ग्लव्स में क्या है, ये रिस्ट बैंड जो है ना, लेंथ उसकी ज़्यादा होती है, यहाँ जो है इसकी हुक एंड लूप बिल्कुल उस तरीके से ही डिज़ाइन की गई है कि एकदम उतना ही आई है। देखिए यहाँ ख़त्म हो रहा है बस, तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। उसके सिवा एक जबरदस्त टाइट फिट आपको रिस्ट पे प्रोवाइड करेगा, तो एक जबरदस्त रिस्टबैंड भी यहाँ पे आपको कोबो जीकेजी 15 में देखने को मिल रहा है। अगली बात कर लेते हैं इसके फिंगर प्रोटेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हाँ जी, इस कोबो जीकेजी 15 में आपको एक अच्छा फिंगर प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। हम पहले भी और ग्लव्स में देखते हुए आए हैं कोबो के गोलकीपर ग्लव्स में एक बहुत ही अच्छा फिंगर प्रोटेक्शन सिस्टम हमेशा दिया जाता है, और यहाँ पर भी एक अच्छा फिंगर प्रोटेक्शन सिस्टम आपको दिया गया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो फिंगर प्रोटेक्शन है वो अपने साथ अपनी एडवांटेजेस भी लेकर आता है, तो अपने साथ अपनी डिसएडवांटेजेस भी लेकर आता है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसको पहले
प्रेफर कर रहे हैं, क्या आपको ज़्यादा बेहतर है, क्या आपको ज़्यादा सूट कर रहा है। एक बिगनर की तरफ से मैं अगर देखूँ तो बिगनर को तो चाहिए ही चाहिए फिंगर प्रोटेक्शन, शुरू में हाथ तुड़वा के नहीं बैठेगा। और अगर एक प्रोफेशनल गोलकीपर की तरफ से देखूँ तो बहुत सारे प्रोफेशनल गोलकीपर नहीं चाहते कि उनके गोलकीपर ग्लव में फिंगर प्रोटेक्शन हो, बिकॉज इसकी क्या डिसएडवांटेज होती है, इसकी मेन डिसएडवांटेज ये होती है कि हाथ को थोड़ा जकड़ लेता है, पंच के टाइम ज़्यादा अच्छे से पंच बन नहीं पाता, रिफ्लेक्सेस हाथ के कम हो जाते हैं, तो सेव करते टाइम थोड़ी दिक्कत होने लगती है कई बार। तो मैचेस में कई लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं पहनना, फिंगर प्रोटेक्शन को अपने ग्लव में पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कई लोग क्या है, वो थोड़ा सा चाहते हैं कि फिंगर प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए, हाथ तुड़वा के बैठ गए तो कहाँ जाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज। इसकी एक एडवांटेज और है कि ये बैकहेंड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। पीछे का जो है ये 3D एम्बोसिंग तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की ही गई है, उसके सिवा ये जो बहुत ही इंप्रूव्ड फिंगर सेव बैकबोन सिस्टम जो आपको यहाँ पे कोबो में प्रोवाइड किया गया है, कोबो GKG 15 में, ये बैकहेंड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर मैं देखूँ तो कहाँ तक दी गई हैं ये, देखिए ये वाली जो है यहाँ तक फिंगर प्रोटेक्शन आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी उंगलियाँ बिल्कुल सेफ रहने वाली हैं। मोस्टली यहाँ खत्म हो जाती है फिंगर प्रोटेक्शन, बड़ी लंबी लंबी यहाँ पे फिंगर सेफ सिस्टम यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है कोबो में। यहाँ पे इस वाली को देखूँ पिंकी फिंगर में तो ये यहाँ तक जा रही है, अब इस वाली में देखूँ तो ये यहाँ तक है, यहाँ तक, ये ज़्यादा नीचे तक नहीं है, ये यहीं तक रह गई है, ये भी यहाँ तक है। थम में हमने देखा अभी एक गोलकीपर ग्लव में थम में भी वो फिंगर प्रोटेक्शन, थम प्रोटेक्शन कहेंगे उसे, तो थम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की गई थी। यहाँ पे थम प्रोटेक्शन नहीं है, मुझे लगता ज़रूरी भी नहीं है, फिंगर प्रोटेक्शन बहुत है, अंगूठा मुश्किल ही टूटता, लेकिन अभी हम देख रहे थे पिछले एक गोलकीपर ग्लव में वहाँ पे थम प्रोटेक्शन भी दी गई थी, तो यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे चार आपकी जो फिंगर्स हैं उनके लिए ही प्रोटेक्शन दी गई है, आपकी वो उंगलियाँ नहीं टूटेंगी, अंगूठा टूट गया तो उसके ऊपर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना कोबो की है ना हमारी। तो एक अच्छा फिंगर प्रोटेक्शन सिस्टम यहाँ पे कोबो GKG 15 में प्रोवाइड किया गया, आपको डिसाइड करना आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगली बात कर लेते हैं इसकी वेंटिलेशन और ब्रेथेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बस साइड्स में हमें जो है वो वेंटिलेशन और ब्रेथेबिलिटी आपको दिखाई देगी। जो वेंटिलेशन के लिए जगह है वो साइड्स में फिंगर्स के यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत वो है, उसके सिवा ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रही कोई जगह। पीछे देखूँ तो सारा बिल्कुल बंद है, यहाँ से थोड़ा बहुत हो पाएगा। मोस्टली जो है वो जगह बिल्कुल पैक्ड है ये गोलकीपर ग्लव, ज़्यादा जगह नहीं है वेंटिलेशन और ब्रेथेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे एक इसका डिसएडवांटेज है कि ज़्यादा जगह नहीं है ब्रेथेबिलिटी के लिए। अगली बात कर लेते हैं इसके वेट, इसके फिट और कहाँ और किन के लिए आइडियल रहेगा उसके बारे में। तो वेट की बात करें तो यहाँ पे इसका जो वेट है वो 100 ग्राम है, और मुझे नहीं लगता 100 ग्राम कोई बहुत ज़्यादा वेट है, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा फिंगर प्रोटेक्शन सिस्टम जब आपके गोलकीपर ग्लव में होता है तो वो अपने आप ही ग्लव को थोड़ा भारी बनाता है, और एक प्रोफेशनल ग्लव की श्रेणी में मैं इसे रखूँगा तो उसके बाद थोड़ा बहुत तो भाई ऐसा तो है नहीं, पत्ता ही मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत तो वजन होता ही है। तो 100 ग्राम मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा वेट नहीं है, लाइट वेट ही ये ग्लव है अपने कैटेगरी के हिसाब से। तो वेट की तो ये बात होगी, बात करें इसकी फिट की, तो फिट वैसे तो यहाँ पे एक अच्छा आपको रिस्ट बैंड यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया आपकी रिस्ट पे अच्छा फिट देने के लिए, साथ ही साथ एक अच्छा कट है जिससे कि आपकी फिंगर्स पे एक अच्छा फिट मिल रहा है आपको। लेकिन गड़बड़ी एक क्या मुझे दिख रही है बस इसकी फिट में, वो मैं आपको पहन के ही दिखा पाऊंगा। गड़बड़ी मुझे ये दिख रही है कि जब हम इसे पहन लेते हैं, ये हमने इसे पहन लिया, अब थोड़ी सी ना बबलिंग मुझे दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये जो है ये फिट को थोड़ा सा फिट इशू हो जाता है। बहुत सारे गोलकीपर्स को ये चीज़ पसंद नहीं आती जब बबलिंग होती है, ये बैकहेंड में बबलिंग हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पे भी ये थोड़ी बहुत बबलिंग है। तो वो हाथ के साथ बिल्कुल सही फिट जो है ना, वो अच्छे गोलकीपर, अच्छे प्राइस के गोलकीपर ग्लव्स में देखने को मिलता है, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन और अच्छा बेहतर फिट हो सकता था। लेकिन अंडर 2000 का ग्लव है तो इसको हम उस चीज़ पे छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं, कोई ज़्यादा इसकी बुराई नहीं करते हैं, बिकॉज प्राइस रेंज का फ़र्क होता है, और जितनी अच्छी प्राइस रेंज होती है उतना ही फ़र्क पड़ जाता है फिट में भी और चीज़ों में भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा बबलिंग है, उसके सिवा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एकदम टाइटिश फिट आपको मिल रहा है आपकी फिंगर्स पे, बिल्कुल यहाँ से जकड़ा हुआ लग रहा है गोलकीपर ग्लव, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है फिट की, थोड़ी सी मुझे बबलिंग दिखाई दी तो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। बाकी आइडियल फोर के बारे में बात करें तो किन गोलकीपर्स के लिए आइडियल रहेगा, देखिए अंडर 2000 का ग्लव ज़रूर है, लेकिन मैं कहूँगा बिगनर्स ना ट्राई करें, बिगनर्स अभी अंडर 2000 ना जाएं, अंडर 1000 जाएं, अभी शुरुआत है उनके करियर की। कोई प्रोफेशनल गोलकीपर है बिल्कुल इसे ट्राई करें, बहुत अच्छी ग्रिप आपको प्रोवाइड कर रहा है, बहुत अच्छा फिट है, बहुत अच्छा कट है, बहुत अच्छा बैकहेंड है, और अगर आप बिल्कुल अगर आपको पसंद आती है फिंगर प्रोटेक्शन सिस्टम तो बिल्कुल आप इसके लिए जा सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं इसके साइज़ और इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो साइज़ अवेलेबल हैं वो हैं 7.5, 8.5, 9, लेकिन एट प्रेजेंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 7.5 वाला साइज़ इस वक्त अवेलेबल नहीं है, 8.5, 9 अवेलेबल है, 7.5 इज़ नॉट अवेलेबल, 8.5 एंड 9.5 आर अवेलेबल ऑन द कोबो स्पोर्ट्स वेबसाइट एंड ऑल्सो ऑन इंग्लिश के छोड़ो तो हिंदी पे आ जाते हैं वापस, ज़्यादा अंग्रेज़ बनने की कोशिश ना करते हुए। तो यहाँ पे 7.5, 8.5, 9 यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं है तीनों ही, यहाँ पे नॉर्मली ये तीनों तो मिलते ही आपको कोबो गोलकीपर ग्लव्स में, 7.5 इस वक्त अनअवेलेबल है, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब अवेलेबल हो गया हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं।
उसके सिवा अवेलेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे Amazon, Flipkart और Kobo Sports की वेबसाइट तीनों जगह ये अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं बात कर लेते हैं इसके प्राइसेस के बारे में, तो इसकी MRP है 1950 का ये आपको मिल रहा है, इसकी MRP है इतनी। लेकिन अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे इस वक्त ये थोड़े डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल रहा है, साइजेस का डिफरेंस होगा, एक साइज पे डिस्काउंटेड पे मिल रहा है, एक साइज पे उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल सकता है। तो इस वक्त ये हाल है जब मैंने ये वीडियो बनाई है, हो सकता है अभी कुछ चेंजेस आ गए हों और ज़्यादा डिस्काउंट हो गया हो या कम हो गया हो, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। कोई इस ग्लव में ऐसी खास कमी नहीं है कि आप इसके लिए ना जाएं, आप इसके लिए जा सकते हैं, एक अच्छी ग्रिप आपको प्रोवाइड कर ही रहा है। तो Kobo GK15 का रिव्यू हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके बाद अच्छे अच्छे रिव्यू आते रहेंगे। स्पाइका मामा एक फुटबॉल शू है जो जिसका रिव्यू हम अगला लाने वाले हैं, तो उसके लिए रेडी रहें। उसके सिवा आपको रिव्यू नंबर 5 किसका चाहिए Kobo GK सीरीज 2.0 में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।